देखिए सिल्वर कॉइन है उसको HNO3 में डिसॉल्व किया गया है और NaCl इसमें मिलाया गया है। और NaCl तो ये कह रहे हैं कि द वेट ऑफ AgCl इज फाउंड टू बी 14.35 ग्राम। मतलब ये दो प्रोसेस करने से इसमें जो भी सिल्वर कॉइन में सिल्वर था वो अल्टीमेटली AgCl के फॉर्म में आ गया। अब यहां इनके रिलेटिव एटॉमिक मास 108 है, इसका कितना होता है 35.5। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन तो फॉर्मूले से है कि 143.5 ग्राम इसका 1 मोल लिया तो Hg का भी 1 मोल होगा, हैज हाउ मच सिल्वर 108 ग्राम। दिस इज अवर HgCl एंड दिस इज अवर Hg। नाउ ऑन अप्लाइंग द डेटा ऑफ द क्वेश्चन एंड यूजिंग द यूनिटरी मेथड 108, 143.5, दिस कैंसिल बाय दिस गिविंग 10 एंड दिस द 10.8 ग्राम। सारा जो सिल्वर आया है आया तो सिल्वर कॉइन से ही है, वो ठीक है रिएक्शन से AgCl में बदल गया था तो AgCl में जो भी सिल्वर है वो सिल्वर कॉइन से ही आया है। तो परसेंटेज ऑफ Ag इन कॉइन, ये मास परसेंटेज निकाल लीजिए, दिस विल गिव अस 50% एज आंसर।